नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कल एक दुखद घटना सामने आई थी विरार से। विरार के बोलिंग इलाके अंतर्गत एवरोल बिल्डिंग में रहने वाली एक 16 वर्षीय बच्ची तनिष्का कामले, उसकी करंट लगने से मौत हुई थी। उस मामले में आज सुबह क्षेत्र में थोड़ा तनाव सा फैल गया। उस वक्त जब इस बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम से लाया गया, तब कहीं न कहीं जो लापरवाही वहां खुले तारों की वजह से करंट फैला, उस लापरवाही को लेकर लोगों में रोष था और क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जमावड़ा है, किस तरह से लोगों ने वहां पर इस परिवार को न्याय मिले, बच्ची की मौत हुई, बच्ची को न्याय मिले उसको लेकर मांग उठाई और कुछ समय के लिए तनाव सा फैल गया। बाद में पुलिस ने मध्यस्थता की, अरनाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और उसके बाद में जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन एक बार की तनाव का माहौल देखा गया। हालांकि परिजन और जो भी लोग वहां शामिल थे, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उनकी बेटी की जो असामयिक मौत हुई है उसमें जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, उसको न्याय मिले। और वाकई हो न हो, क्यों न हो, ऐसी लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में दूसरों के खिलाफ इस तरह से मामले न हो। एक जान तो गई, वो जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन दूसरे हाथ से ना हो कि फिर किसी की और की जान चली जाए। तो ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं विरार बोलिंग इलाके का, जहां पर कल हादसे में मृत्यु हुई तनिष्का कामले की बॉडी आने के समय जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीर है। देखिए आगे वीडियो में और ये क्लिप। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।